दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। 1981 में आई फिल्म एक दूजे तो आपको याद होगी और ये फिल्म उस टाइम सुपर डुपर हिट भी रही। ये फिल्म सैड लव स्टोरी थी जिसमें प्यार को पाने के लिए प्रेमी और प्रेमिका आत्महत्या कर देते हैं, जिसे दर्शकों द्वारा बड़ा पसंद भी किया गया। दोस्तों इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए जिसमें 16 बरस की बाली उम्र, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए आज भी लोगों के फेवरेट गाने बने हुए हैं। इस फिल्म में जितने भी कलाकारों ने काम किया हुए सभी अपने किरदारों से फेमस भी हुए। लेकिन आप इन कलाकारों के बारे में तो दोस्तों जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनरों के बारे में जानते हैं जो इनसे बड़ा प्यार करते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म के रियल लाइफ पार्टनरों से रूबरू करवाने वाला हूं। तो आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार और कौन है उनके रियल लाइफ पार्टनर। नंबर 5, कमल हसन। इस फिल्म में वासु का किरदार अभिनेता कमल हसन ने निभाया था, जो कि सपना का प्रेमी होता है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सपना की माँ वासु को अस्वीकार कर देती है। इस फिल्म में इनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनकी पहली पत्नी का नाम वीना हसन है, जिनसे इनकी शादी 1978 में हुई और शादी के 10 साल बाद इनका तलाक हो गया, जिसके बाद इन्होंने मशहूर अभिनेत्री सारिका हसन से शादी की और आज इनकी दो बेटियां हैं, श्रुति और अक्सरा हसन। नंबर 4, राकेश बेदी। इस फिल्म में चक्रवर्ती चक्रम का किरदार अभिनेता राकेश बेदी ने निभाया था। उन्होंने इस किरदार को काफी अच्छे से निभाया था। इस फिल्म में इनका किरदार सपना की माँ के मित्र के बेटे का होता है, जो सपना के दिमाग में वासु का ख्याल निकालने के लिए आता है, यानी कि राकेश बेदी का इस फिल्म में नेगेटिव रोल था। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनकी पत्नी का नाम आराधना बेदी है। इनसे इनके दो बेटियां हैं। नंबर 3, शुभा खोटे। इस फिल्म में श्रीमती कुंदनलाल का किरदार अभिनेत्री शुभा खोटे ने निभाया था, जो कि नेगेटिव किरदार है। इस फिल्म में इनका मुख्य किरदार सपना की माँ का होता है, जो सपना और वासु को एक नहीं होना देना चाहती। इन्होंने इस किरदार को बड़े अच्छे से निभाया था। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनके पति का नाम डीएन अश्विन बालासर है, जिनसे इनकी शादी 1960 में हुई थी। आपको बता दें डीएन बालासर भी एक अभिनेता है। नंबर 2, माधवी शर्मा। दोस्तों इस फिल्म में संध्या का किरदार माधवी शर्मा ने निभाया था। इस फिल्म में इनका किरदार वासु की साइड लवर का होता है, जिनसे वो एक तरफा प्यार करती है। जब उन्हें पता चलता है कि वासु इनसे नहीं बल्कि सपना से प्यार करता है, तो वो इन दोनों को मिलवाने में लग जाती है। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनके पति का नाम रफेल शर्मा है। इस शादी से इनके 3 बच्चे हैं। नंबर 1, इस फिल्म में सपना का किरदार रति अग्निहोत्री ने निभाया था, जो वासु की प्रेमिका होती है और उनसे बहुत मोहब्बत करती है। जब उनका प्यार सफल नहीं हो पाता, तो ये दोनों आत्महत्या कर देते हैं और जन्म जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनके पार्टनर का नाम अनिल विरवानी है, जिनसे इन्होंने 1985 में शादी की। आज इनका एक बेटा भी है जिसका नाम तनुज विरवानी है, लेकिन शादी के 30 साल बाद इनका तलाक हो गया। तो दोस्तों आपको किस किरदार का रियल लाइफ पार्टनर की जोड़ी अच्छी लगी, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, नमस्कार।